स्थानीय चुनाव से पहले ही ग्रामीणों की प्रधान से जबरदस्त मारपीट हो गई। दरअसल जिले के नानपारा थाना क्षेत्र के ककरी गांव में ग्रामीणों ने प्रधान पर जबरदस्ती अपने पार्टी में शामिल करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं मामले को शांत रखने के लिए गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बहराइच में पुलिस ने मेडिकल कॉलेज निर्माण में 15 करोड़ के घोटाले के आरोपी जेई को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस कई दिनों से इस बदमाश की तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार ये लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। बहराइच में एक विद्यालय के अंदर ही 3 विद्यालयों के नाम से स्कूल चला रहे स्कूल प्रबंधक संजय यादव को पुलिस ने छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस कई दिनों से इस आरोपी की तलाश में थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। सुल्तानपुर में थाना बल्दीरा क्षेत्र के ग्राम पंचायत दुर्गापुर के पूरे आनंदी दुबे के पुरवा गांव में एक मोर का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेठी के औद्योगिक क्षेत्र जगदीशपुर में यूपीसीडा ने एक बार फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला दिया है। इस बार यूपीसीडा के अधिकारियों ने सर्विस लेन की नालियों पर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। अमेठी में शुक्ल बाजार ब्लॉक क्षेत्र के प्रतापपुर में बन रहे नालियों में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने की बात सामने आई है। दरअसल अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही नालियों के निर्माण के लिए पीले ईंटें और घटिया सामग्री की इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेठी में घने कोहरे के चलते थाना जामो क्षेत्र के अजबगढ़ के रानीपुर पश्चिम गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक गड्ढे में जा गई। हालांकि गनीमत इतनी रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं। अयोध्या में थाना कैंट के बड़ई पूर्वा में भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ के खानसामा की आग में झुलसने की वजह से मौत हो गई है। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। बाराबंकी में अंतर जनपदीय चोरों के गिरोह का पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने खुलासा कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस ने गिरोह के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं सबकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के सामान के साथ तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। बाराबंकी में पुलिस ने एक अंतर जनपदीय चोरों के गैंग का खुलासा करते हुए 2 कबाड़ियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि चोरों के कब्जे से पुलिस ने चुराए गए 2 गैस सिलेंडर, 1 तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। मुरादाबाद के अंबेडकर पार्क में शिवसेना की तरफ से कंबल वितरण कार्यक्रम में फटे कंबल मिलने पर महिलाओं ने शोर मचाकर हंगामा शुरू कर दिया, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वही घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हंगामे को शांत कराकर मामले को सुलझा दिया है। संभल में थाना हयात नगर क्षेत्र के ग्राम रुदायर में मौजूद मुर्गी फार्म में 50 से ज्यादा मुर्गे और बतख की मौत से हड़कंप मच गया है। फिलहाल मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मृतक मुर्गों के शव को बरामद कर जांच शुरू कर दी है। जालौन के थाना गोहन क्षेत्र में सरावन गांव में सर्द मौसम में कोहरे और ठंड का फायदा उठाकर कुछ चोरों ने एक ग्रामीण के घर पर धावा बोल दिया और वहां से लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। वहीं वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों पर मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। बांदा के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में बने एक प्राइवेट क्लिनिक में इलाज के दौरान एक मासूम की मौत हो गई, जिस पर मृतक के परिजनों ने क्लिनिक में जमकर हंगामा काटा। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से मामले को शांत कराकर जांच शुरू कर दी है।